वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड है। हम पहले कुछ वर्कशीट कुछ वीडियोस हम एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड पहले बना चुके हैं, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव होता है और उसके जितना भी आगे कॉन्सेप्ट है आर्क ऑफ द लेंथ, तो सारे के सारे टॉपिक आपको उस एक वीडियो में मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ऑब्वियसली उससे पहले हमें उसका फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। तो हम पहले इसके क्वेश्चन चलने से पहले एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब समझ लेते हैं। सेक्टर एक तरीके से एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। अगर हम सर्कल को सेंटर से, ये सेंटर है, ये रेडियस, रेडियस इसके जो बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रीजन, जो होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। ओके, इसे कहते हैं सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको निकालते हैं? तो आपको अगर पूरे सर्कल का एरिया पता है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बहुत ही आसान है। अब मैं उसका कुछ पार्ट ले रहा हूं ना, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब कितना पार्ट, अगर मैं पूरा सर्कल देखूं तो ये कितना है, 360 डिग्री। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा क्या मतलब क्या है, एंगल जो सेक्टर है, ओके, अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे आज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट चीजों को पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं। रेडियस दे रखा है और एंगल दे रखा है, निकालना क्या है, सेक्टर एरिया। ओके, ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, ये दूसरा पार्ट है इसके अंदर। तो पहले फुल स्टॉप तक पढ़ लिया हमने, तो हमें पता है कि वर्किंग कैसे करनी है। मैं वर्किंग भी समझा रहा हूं क्योंकि वर्किंग इंपॉर्टेंट है। पहले क्या दे रखा है, रेडियस, तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एंगल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, बिकॉज वो सेंटर पे हमें बता रहा है। तो हम इसको एंगल भी बोल सकते हैं और सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं, या हम इसको थीटा भी बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो 30 डिग्री। एंड एज वी नो कि फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। आगे चलते हैं, थीटा कितना है, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 4, तो 4 इंटू 4, तो रेडियस आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 0 से 0 कट गया 1, और यहां पर आया कितना 12, अब यहां पर 22 11, ये आया 6, ये कितना आ गया 2, या 3, तो इतना ही बचा है हमारे पास। तो ऊपर बचा कितना, 2 इंटू 22 या 44, 88 अपॉन 21। अब पहली बात तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करा जाता है वो देख लेते हैं। 21 को हम टेबल में चलाएंगे। मुझे अगर 21 का टेबल नहीं भी आता तब भी आप अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाना सीखें। 20 का तो आता है ना, तो 20 इंटू 4 कितना होता, 80, तो 4 से करके देखो तो यहाँ पे आएगा 4 और 84, बहुत ही सिंपल सा हो गया। 4 यहाँ पे आया और यहाँ पर आंसर क्या आ गया, QRD क्वेश्चन कितना है, 4, रिमाइंडर 4 अपॉन 21, आंसर सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। कितना होगा, 4 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा अभी तक का ये पार्ट। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो ये वीडियो को, उससे हमें भी पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, पसंद भी आया। अब उसने बोला था फाइंड द मेजर सेक्टर। अगर आपको इमेज याद हो तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया जो इसका दूसरा पार्ट देख गया, हो गया मेजर सेक्टर। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के, मैं दोनों समझा देता हूं।
पहला तरीका होता है बहुत सिंपल कि अगर मैं इस पार्ट को माइनस कर दूं पूरे सर्कल में से तो मुझे मेजर मिल जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर मेरे पास थीटा है तो मैं थीटा को 360 से माइनस कर दूं तो मैं यहाँ पर एंगल चेंज करके भी निकाल सकता हूँ। तो दोनों तरीके ही ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं भी थीटा से ही कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मेरे लिए जल्दी हो जाएगी। तो इस केस में मेरा थीटा क्या हो जाएगा, मैं कलर मार्कर ले लेता हूँ। अगर मैं इसको 360 से माइनस कर दूं, 360 माइनस 30 कितना हो गया 330 डिग्री, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 330। जीरो से जीरो तो कैंसिल हुआ ही था, ऊपर क्या था 3 था ना, तो यहां पर 11 आया होगा। ओके, यहां तक सब कुछ सेम रहा अभी तक, तो इसके बाद की सारी वैल्यूज यहां पर चेंज हो जाएंगी। क्या आएगा 11 इंटू 11 121 इंटू 4 कितना हो जाएगा 484, इसको डबल कर देते हैं कितना हो जाएगा 968 अपॉन कितना हो जाएगा 21। अगेन हम इसको इसी तरीके से कर देंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 968। ओके, यहां पर 4 से जा रहा है या 5 से करें, आई थिंक 4 से ही जाएगा। तो यहां पे कितना बचेगा 6 + 4 10, 6 12 बचेगा 12 और यहां पर आया 8। अब 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 128 के क्लोज आ जाए। देखो थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, 4 से तो 84 आ रहा था, तो हम कितना बढ़ाएंगे लगभग 6 कर लेते हैं, 6 करके देखते हैं। यहाँ पर 6 126, हम क्लोज पहुंच गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 126 क्या है 2, तो हम इसको लिख देंगे क्यू। क्वेश्चन 46, 2/21 cm². उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप इसको रीड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक नया टर्म दिया हमने क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी बताएं पॉज करके वीडियो को। क्वाड्रेंट जिनको नहीं पता मैं आपको समझा देता हूं, क्वाड्रेंट का मतलब था क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, क्वार्टर एक चौथाई 1/4, तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन अगर हम इसको अब सेक्टर के फॉर्मूले से ही करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो आंसर नंबर 2 में जो उन्होंने थीटा दिया है वो 90 डिग्री दिया। आप बोलोगे कहां पता सर, क्वाड्रेंट जैसे ही आ जाए 90 डिग्री हो जाता है, ये बहुत ही फेमस टर्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, मैं सीधा ही कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, 90/360 इंटू पाई, पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो गया 1/4, 22/7 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 22/7 ही आ गया, जिसका आंसर होता है 3.14 approximately, okay? 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुझे पता है थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हो गया था कैमरे का, बट रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा सा, आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ये डू नॉट ओवरलैप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में जो ओरिजिनल वाइपर्स होते हैं आपकी जो विंड स्क्रीन हो गई जो कार की, उसमें वो पास में होते हैं, तो इस तरीके से वो साफ कर रहे होते हैं कि वो जो जो थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो ओवरलैप कर रहा होता है, इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट जो है वो ओवरलैप करता है, बट एक्चुअली में हम उसको नहीं निकाल रहे, हम कह रहे हैं कि जो डू नॉट ओवरलैप, हम इस तरीके से हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो ओवरलैप नहीं कर रहा,
अब आपको अगर उसकी पोजीशन याद हो तो वो कैसे चलता है इस तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, तो ये कौन सी शेप बन गई, एक बन गया सेक्टर। तो सेक्टर का हमें क्या दे दिया उन्होंने, लेंथ दे दी 25 सेंटीमीटर, ये रेडियस, और एंगल दे दिया 115, तो ये एंगल 115 उन्होंने दे दिया। तो हम इसकी मदद से हम आंसर क्या निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं आंसर नंबर 3 का। सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, थीटा 115 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 25। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहां पर आ जाएगा 23, इसको 5 से डिवाइड करूंगा 5 7 जा 30 5 2 72, ये और ये 2 से कट सकता है, ये आएगा 11 और यहां पर आ जाएगा 36 और यहां पे 36, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो 23 इंटू 11 हम कर लेंगे कितना आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 इंटू 11 23 23, देखें कितना आ जाएगा 253, तो ये आ गया। और हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 625 से। तो टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करके दिखा दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 158125 और 36 इंटू 7 आ जाएगा 252। अगर हम इसको डिवाइड करें, मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में करा था उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप उसको छोड़ सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको 627 कुछ अपॉन 252 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।